हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम के ढेर में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाटा ऑफर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टेलीकॉम कंपनियां फ्री में डाटा ऑफर देती रहती हैं अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए। तो फ्रेंड, इसी तरह से वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर के VI अपना रीब्रांडिंग तो कर लिया है, उसके साथ ही वो लोग अपने कस्टमर्स को फ्री में डाटा भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो फ्री डाटा किन यूजर्स को दे रहे हैं और कितने GB डाटा दे रहे हैं और कितने दिनों के लिए दे रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वोडाफोन और आइडिया आपस में मिल चुके हैं और वो अपना रीब्रांडिंग कर चुके हैं वी के नाम से, VI करके है उसके नाम से वो लोग अपना रीब्रांडिंग कर चुके हैं। तो फ्रेंड, वोडाफोन और आइडिया जब एक साथ मिले हैं तो वो कुछ अपने कस्टमर को डाटा फ्री में दे रहे हैं। तो फ्रेंड, फ्री में डाटा ऑफर क्यों दे रहे हैं उसके पीछे भी कुछ राज हैं। तो फ्रेंड, सभी कंपनियां ये सोचती हैं कि हम अपने कस्टमर्स को लुभावने ऑफर देंगे तो हमारे प्रति आकर्षित होंगे और हमारे कस्टमर की संख्या बढ़ेगी। तो फ्रेंड, सभी कंपनियां इसी लालच में फ्री डाटा देती रहती हैं। तो फ्रेंड, यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब वोडाफोन और आइडिया एक साथ मिले हैं वी के नाम से तो 48.2 लाख कस्टमर्स इनके में से मतलब किसी दूसरे ब्रांड में, मतलब किसी दूसरे टेलीकॉम कंपनियां में चले गए हैं, मतलब एयरटेल या जियो में चले गए हैं। तो फ्रेंड, इसीलिए वोडाफोन और आइडिया अपने कस्टमर्स को फ्री में डाटा दे रही हैं कि वो लोग हमारी कंपनी को छोड़कर के किसी और कंपनी में न जाएं। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको बताता हूं कि कितने GB डाटा फ्री में मिल रहा है और कितने दिनों के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड, हमारे मोबाइल पर एक SMS आ चुका है, उस SMS को मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो फ्रेंड, यहां पर देख सकते हैं एक SMS आ गया है VZ और यहां पे लिखा है VINFO, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूं। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहां पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट फ्री 1 GB पर डे डाटा विद इन 7 डेज वैलिडिटी, नाउ ब्राउज एंड वॉच योर फेवरेट वीडियो ऑन हाई स्पीड डाटा विद 4G। तो यहां पे फ्रेंड सकते हैं 1 GB पर डे के लिए यहां पे 7 दिन की वैलिडिटी दी गई है, मतलब 7 दिन में आपको 7 GB डाटा यहां पे मिल जाएगा फ्री में। तो फ्रेंड, अगर आपको भी SMS आ गया है तो आपको 7 GB डाटा फ्री में मिल जाएगा। अगर फ्रेंड आप चेक करना चाहते हैं कि हमें मिला है या नहीं मिला है तो उसके लिए फ्रेंड आपको जाना होगा, अपने डायलर को ओपन कर देना होगा और डायलर को ओपन करने के बाद यहां पे *125# और अपने आइडिया वाले सिम पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं USSD कोड रनिंग शो हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं 1 GB पर डे डाटा वॉल्यूम यहाँ पे 1023.99 MB है, एक्सपायरी यहाँ पे 5/10/2020 को ये एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए इस डाटा को यूज नहीं कर रहे हैं तो ये 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से एक्सपायर हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड बात करते हैं कि किन किन यूजर्स को फ्री में डाटा दे रहा है वोडाफोन और आइडिया। तो यहाँ पे फ्रेंड आपको दिखा दे रहा हूँ, अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या वोडाफोन आइडिया अपने पुराने ग्राहकों को फ्री में दे रहा है 4G डाटा, 7 दिन है वैधता। तो यहां पे मैं आपको सबूत के तौर पे यहां पे दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा है वोडाफोन आइडिया की रीब्रांडिंग अब VI के तौर पर हो गई है, नई ब्रांडिंग होने के बाद कंपनी अपने ग्राहकों को फ्री में 1 GB 4G डाटा दे रही है, भी भारतीय बाजार में तेजी से छाना चाहती है। कंपनी पर AGR के रूप में 54,754 करोड़ रुपए का कर्ज है जिसको चुकाने के लिए भी के पास 10 सालों का वक्त है। उसके नीचे आते हैं फ्रेंड और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, VI के कई ऐसे ग्राहक है जिनके पास कंपनी का सिम कार्ड तो है लेकिन वे एक्टिव तौर पर सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यह ऑफर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपने देख लिया होगा कि यहाँ पे लिख रहा है कि सीधे तौर पे कि बहुत सारे लोग तो सिम ले चुके हैं वोडाफोन आइडिया का, मतलब उनके पास है लेकिन वो एक्टिव तौर पे मतलब उसका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि फ्रेंड हमारे मोबाइल में भी 2 सिम है, एक एयरटेल का और आइडिया का, तो आइडिया का यहाँ पे नेटवर्क नहीं चलता है इसलिए मैं उसमें रिचार्ज नहीं करवाता हूँ, उसमें बहुत कम ही रिचार्ज करवाता हूँ, कभी कॉल करवा देता हूँ और एयरटेल से ही हम अपना डाटा यूज करते हैं और उसी में रिचार्ज करवाते हैं। तो फ्रेंड ये ऑफर उसी लोगों को मिल रहा है जो लोग एक्टिव तौर पे मतलब अपने सिम को यूज नहीं करते हैं, उन लोगों को लुभाने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने फ्री में डाटा ऑफर दे रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये फ्री डाटा ऑफर लेने के लिए कोई भी कोड या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो हम कोड डाल देंगे और हमें फ्री में डाटा मिल जाएगा, यहाँ पे कोई भी वो तरीका नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे कंपनी अपने हिसाब से जिन कस्टमर्स को देना है उसको दे रही है। तो फ्रेंड अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको 7 GB डाटा मिला है या नहीं मिला है तो आप *125# डायल कर दीजिएगा और वहां पे आपको दिखा देगा कि फ्री में मिला है या नहीं मिला है। तो फ्रेंड ये रही छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।